आज के वीडियो में हम और एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि है झंडू कंपनी का शिलाजीत, झंडू शिलाजीत। तो झंडू शिलाजीत क्या है, प्रमुख के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, उसको कौन कौन से रोगों में आपके डॉक्टर द्वारा आपको लिख के दिया जाता है, उसको लेने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इस दवा को कैसे लेना चाहिए, कब तक लेना चाहिए, इसको लेने के बाद आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, मार्केट में इसकी कीमत कितनी है और कहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल वेंकटेश पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश पुजार। तो आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए, झंडू शिलाजीत कैप्सूल जो है, जो शुद्ध शिलाजीत रहता है उसके एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है। शिलाजीत क्या होता है, यह एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि पाया जाता है हिमालयों में। तो इसका जो मेन कंटेंट होता है वो होता है शुद्ध शिलाजीत एक्सट्रैक्ट, और इसमें कोई भी तरह का कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता है। तो आइए बात करते हैं कौन कौन से रोगों में आपके डॉक्टर द्वारा ये लिख के दिया जाता है या फिर इसके लेने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। लेकिन कुछ लोग बहुत कमज़ोर रहते हैं, जिनको छोटा छोटा भी क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो उनको रोग हो जाता है कोई ना कोई। तो ऐसी कंडीशन में ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरा देखिए, ये आपकी जॉइंट्स जो संधियाँ रहती हैं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। देखिए, जैसे जैसे एज होती जाती है वैसे वैसे हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स में जो है एकदम हमको दर्द उठना चालू हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, यहाँ तक कि कुछ लोग चलने में भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी जॉइंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तीसरा, ये आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। एनर्जी चाहे किसी भी काम में हो, या फिर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या फिर आपको थकान हो जाती है हैवी वर्क करने के बाद, तो ऐसे कंडीशन में दिन भर की आपकी थकान को मिटाकर आपके शरीर में चुस्त रखने के लिए आपको एनर्जी लेवल को बढ़ाने का काम करता है। अगला इसका वर्क है, आपको एकदम स्ट्रेंथ देता है और आपकी स्टेमिना को मेंटेन करता है, आपकी थकावट को दूर करता है। देखिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा हैवी काम है जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत रहती है, स्टेमिना की ज़रूरत रहती है, चाहे वो आप खेल के मैदान में हो या फिर किसी भी फील्ड में हो, या फिर आप कोई बहुत हैवी वर्क कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं, या फिर आपको सेक्स करते वक्त भी आपको थकान हो जाती है, आपको लगता है मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको स्टेमिना और स्ट्रेंथ काम प्रदान करने का काम करता है। अगला इसका काम है, आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है, डाइजेशन को अच्छा करता है। तो देखिए, कुछ लोगों में समस्या रहती है, जो भी खाते हैं सर हमको पचता नहीं है, एकदम पेट भारी भारी हो जाता है, बहुत हैवीनेस लगता है हमको पेट में, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करता है, आपके पाचन तंत्र को अच्छा करके खाने को पाचन करने में मदद करता है। अगला काम है, ये आपके लीवर फंक्शन जो है उसको अच्छा करने का काम करता है। तो देखिए, लीवर जो है अगर आपका अच्छा नहीं लगेगा तो आपको भूख नहीं लगेगी, नहीं रहेगी, और पाचन तंत्र भी अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। तो शिलाजीत क्या करता है, जो लीवर के फंक्शंस हैं उनको अच्छा करता है ताकि आपकी पाचन शक्ति जो है वो ठीक से काम कर पाए। तो आइए अब हम बात करते हैं जनरली इसको डोसेज क्या है, इसका डॉक्टर आपको किस हिसाब से लेने को बोलते हैं। यहाँ मैं अडल्ट डोसेज के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनकी आयु 18 साल से ऊपर है। देखिए, वो इसको 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार ले सकते हैं, मतलब 1 कैप्सूल सुबह ले ली नाश्ते करने के बाद, 1 कैप्सूल रात को ले ली खाना खाने के बाद, नॉर्मल पानी के बाद आप इसको ले सकते हैं, या फिर 2 कैप्सूल सुबह नाश्ता करने के बाद ले सकते हैं, 2 कैप्सूल रात को खाना खाने के बाद ले सकते हैं, या फिर आपके डॉक्टर आपको जिस हिसाब से लेने का सुझाव दे रहे हैं उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। तो बात करते हैं कितने दिन तक हमको ये लेना चाहिए सर, तो वो देखिए आपकी बॉडी के कंडीशन पे डिपेंड करती है और आपके डॉक्टर के एडवाइस पे डिपेंड करती है कि वो आपको कितना दिन इसको लेने की सलाह दे रहे हैं। अब बात करते हैं इसको लेने के बाद आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो देखिए, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो अब बात करेंगे कि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन
क्या है, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो इसके कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी नहीं है, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। तो आइए बात करेंगे कि मार्केट में इसका मूल्य कितना होने वाला है। तो मार्केट में आपको 499 में 60 कैप्सूल्स मिल जाती हैं एक डब्बे में। अवेलेबिलिटी की बात करें तो देखिए, यदि आपके पास आपके डॉक्टर द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन है तो आपको आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर या फिर किसी भी आयुर्वेदिक फार्मेसी या फिर जनरल फार्मेसी में बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ झंडू शिलाजीत के बारे में जितनी नॉलेज मैंने आप सभी को साथ शेयर की है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इस तरह के मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक का बटन दबाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर नहीं लेनी है, मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी है। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। तो मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।